हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ हेल्दीएस्ट वर्जन ऑफ कुकीज़, जो है रागी आलमंड कुकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने कप्स में अलग से सब कुछ, सो इसके लिए मैंने ले लिया है ये कप्स में घी, हाफ कप आटा एंड फुल कप रागी, और मिल्क ले लिया है। मिल्क हम उतना ही डालेंगे जितना रिक्वायर्ड होएगा। पहले मैं ये बोल में ले लेती हूँ घी, या बटर आप ले सकते हो, वाइट बटर है तो और भी बेटर है। सो मेरे पास अभी घी अवेलेबल था तो मैंने ये हाफ कप घी ले लिया है, स्मॉल वाला कप है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी जागरी शुगर 6 टीस्पून। ये बहुत ही लाइट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, एंड इट इज़ बेस्ट वाइट शुगर अवॉइड करने के लिए, दिस इज़ बेस्ट। अब मैं इसको बहुत अच्छे से जो है विस्क करूँगी जब तक कि इसमें विपिंग टेक्सचर ना आ जाए, जैसे विप्ड क्रीम का होता है। आप देख सकते हो 5-10 मिनट्स विप करने के बाद इसमें कितना अच्छा टेक्सचर आ गया, जैसे विपिंग क्रीम, बहुत ब्यूटीफुल टेक्सचर आ जाता है इसका। और मीनवाइल मैं एक छन्नी ले लूँगी और इसके अंदर सारे आटा रागी डालकर एक बार इसको छान लूँगी, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी इसमें नो लम्स नहीं रहने चाहिए। तो एक बार ही इसको छानने से अच्छे से ये इसके अंदर आ जाएगा और कोई भी यू नो मोटे पार्टिकल्स नहीं जाएंगे। आटे को भी मैं ऐसे ही छान लूँगी। होल व्हीट फ्लार का है, बहुत हेल्दी कुकीज़ है, जो आपकी मंचिंग होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब मैंने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है 1 स्पून, सिनेमन पाउडर डाला है 1 स्पून। इससे जो थोड़ा टेस्ट होता है वो बेटर हो जाता है। और इसके साथ में 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वनीला एसेंस अवेलेबल नहीं था, तो ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है, तो इसीलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। और मैं इसको अच्छे से हल्के हाथ से ही क्रम्बल कर लूँगी, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं इसको गूंदना। और इसमें आलमंड को मैंने अच्छे से पाउडर कर लिया था, तो मैं खूब सारा डाल दूँगी जितना मुझे लग रहा है कि रिक्वायर्ड है मेरे बैटर के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो और इसमें पिस्ताचू पाउडर भी ऐड कर सकते हो, और कोई आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट हो। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर दूँगी जितना रिक्वायर्ड है, तो ताकि एक बाइंडिंग हो जाए। हमें इसे आटे की तरह नहीं गूंदना, ये क्रम्बल फॉर्म में ही रहना चाहिए, बट थोड़ी सी बाइंडिंग होनी चाहिए ताकि क्रैक्स थोड़े कम दिखाई दें, कि अभी बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं। तो थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए मैं उसके अकॉर्डिंगली, आप देख सकते हो कैसा टेक्सचर है इसका, और थोड़े बहुत क्रैक्स आएंगे दैट इज़ फाइन, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कुकी कटर मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने उसकी हेल्प से, आप अलग अलग डिज़ाइंस भी बना सकते हो, बट रागी कुकीज़ प्लेन ही अच्छी लगती हैं, सो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। नॉर्मल कुकी कटर से इसको मैं इडली मेकर के अंदर इसको बना रही हूँ, बिकॉज 15 मिनट्स के लिए मैं इसको कुकर की सीटी लगा के बेक करूँगी। एंड सी, सो डिलीशियस कुकीज़ आर रेडी एंड इट इज़ रियली डिलीशियस गाइस, यू हैव टू ट्राई दीज, एंड दीज आर द हेल्दीएस्ट वर्जन ऑफ कुकीज़। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।